कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिएगा कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि मैं आपको पर्सनली थैंक यू कर पाऊँ। और वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। आज थर्सडे, तो आज से गल्फ में वीकेंड स्टार्ट हो जाता है। तो आज हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आ रहे हैं डिनर पर, तो मैं उनके लिए बनाना चाह रही हूँ राजमा राइस, चपातीज, और देखते हैं और क्या बनाती हूँ मैं। ऑब्वियसली ये सिर्फ तीन चीज़ें तो नहीं बनाऊंगी, तो इसके लिए अभी टाइम हो गया यहाँ पर 10:30। तो मैं अभी राजमा सोखकर, राजमा धोकर ले लिए हैं, और मैं पानी थोड़ा गर्म कर रही हूँ ताकि राजमा जल्दी सोख हो जाएं। क्योंकि वैसे तो ओवरनाइट मैं भिगा कर रखती हूँ, पर अभी मुझे सुबह ही पता चला कि वो आएंगे गेस्ट, तो मैं पानी थोड़ा गर्म करके फिर उसमें राजमा डाल रही हूँ। ऐसे करने से कोई भी अनाज जल्दी भीग जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो घर पे कुछ सामान नहीं है जो मुझे रेसिपी के लिए चाहिए, तो वो लेने मैं जा रही हूँ। तो आप भी चलिए मेरे साथ सुपरमार्केट और सामान लेकर आते हैं। यहाँ मुझसे एक गलती हो गई है और मैं उससे बिल्कुल अनजान हूँ, और मैं बिल्कुल मतलब निकल गई हूँ घर से, लॉक कर दिया, लिफ्ट में आ गई हूँ। ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सुपरमार्केट के सामने थी। और यहाँ अब मुझे याद आया कि मैं मास्क पहनना भूल गई हूँ। मैं वापस घर आई, मास्क पहना और फिर गई। मैं मास्क पहनना ही भूल गई थी, तो आधे रास्ते से वापस आई हूँ। सुपरमार्केट से मैं वापस आ गई हूँ, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या लेकर आई हूँ, और फिर कुकिंग स्टार्ट करूंगी। मैंने बनाया था जीरा आलू, राजमा, जीरा राइस, रायता, चपाती, सैलेड और पापड़, और आगे मैंने रेसिपी भी शेयर की है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। अभी कुकिंग के लिए मुझे चाहिए था टमाटर, अदरक, कुकुम्बर, धनिया की पत्ती, मेथी और रेडिश। तो कुकुम्बर और रेडिश सैलेड के लिए है, तो ये लेकर आई हूँ। और नारियल पानी मेरा फेवरेट, तो जब भी दिल करता है ले आता है। तब बनाने के लिए हमें चाहिए श्रेडेड कुकुम्बर, ये रेड वाली रेडिश है, काला नमक और कुटा हुआ काली मिर्च और ज़ीरा, और दही को मैंने बीट करके रख लिया है। अब मैं ये सारी चीज़ें इसमें मिला दूंगी और फिर से एक बार बीट कर लूँगी, और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया, क्योंकि आज मेरे घर गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले से ही धनिया थोड़ा ज़्यादा सा चॉप करके रख लिया है। आप चाहें तो बाद में भी नमक डाल सकते हैं, पर क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा बाद में, इसलिए मैं अभी ही नमक डाल दूँगी। नमक लेट डालने का रीज़न ये होता है कि सब्जी अपना पानी ना छोड़े, बट मुझे चीज़ें बनानी है और फिर इसलिए मैं अभी ये डाल दूंगी। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से चेक कीजिएगा, और फिर काला नमक दही के साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो रायते में हमेशा काला नमक ही डालना चाहिए। ओके, तो ये झटपट सा हमारा वेजिटेबल रायता रेडी है, और ये दिखने में भी बहुत सुंदर है, क्योंकि इसमें पिंक और ग्रीन कलर बहुत अलग से दिखेगा। राजमा की ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिए है एक बड़ा साइज का प्याज, अदरक, लहसुन और दो टमाटर, जिसमें से एक बहुत बड़ा है टमाटर। राजमा में टमाटर, अदरक और लहसुन ये मेन होता है, तो ये थोड़ा क्वांटिटी इसका ज़्यादा ही रखिएगा। आप चाहें तो ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, पर मेरे घर जो गेस्ट आ रहे हैं वो लोग चिली इतनी ज़्यादा नहीं खाते हैं, इस वजह से मैं इसमें चिली नहीं डाल रही हूँ।
मैंने प्याज लहसुन अदरक और थोड़ा सा टमाटर डालकर ये पीस लिया है, और टमाटर का अलग से प्यूरी बना लिया है। तो बघार लगाते हैं। सबसे पहले जीरा डाल दिया, मैंने ढक्कन इसलिए ढांका पहले क्योंकि नहीं तो फिर बहुत ज्यादा तेल बाहर आता है तो गैस भी पूरा गंदा होता है और फिर सफाई का काम बढ़ जाता है, इसलिए बस अब ये हटा लेते हैं और इसको सिकने देते हैं। जब ये प्याज लहसुन अदरक की प्यूरी अच्छे से सिक जाएगी एटलीस्ट हाफ, तब मैं इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करूंगी। तब तक बस इसे ही सेकना है हमें। मैं इस प्याज लहसुन की प्यूरी में अभी ही नमक डाल दूंगी ताकि ये जल्दी सिक जाए। अभी इतना ही डाल रही हूँ, फिर अगर महसूस हुआ कि और ज़रूरत है तो बाद में और डाल लेंगे। बस अब इसको सिकने देते हैं। तब तक मैं राजमा भी चेक कर लेती हूँ हो गया या नहीं। अभी प्रेशर पूरा निकला नहीं है राजमा का तो हमको वेट करना पड़ेगा। प्याज हमारी आधे सिक गई है तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी चॉप्ड मेथी और टमाटर की प्यूरी, क्योंकि वैसे भी इसमें कसूरी मेथी डाली ही जाती है तो अगर आपके पास हरा मेथी अवेलेबल हो तो वो डाल लीजिए, नहीं तो कसूरी मेथी डाल लीजिए, कोई मसला नहीं है। बस अब इसको वापस से सिकने देते हैं। जब टमाटर भी काफी हद तक सिक जाएगा फिर हम इसमें ड्राई मसाले अपने ऐड कर देंगे। कुकिंग का यही पार्ट बहुत अजीब लगता है कि आप कितना भी प्रिकॉशन से कुक करो लेकिन आपका मैस फैले गई। और ये देखिए कितना ज़्यादा ये मतलब बाहर निकल रहा है टमाटर में जो पानी है वो सूखने की बजाय। एनीवेज बट आई स्टिल लाइक कुकिंग एंड आई लव कुकिंग। टमाटर डालने के बाद भी काफ़ी हद तक सिक गया है तो अब हम इसमें ड्राई मसाले डाल देंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये कश्मीरी रेड चिली है, फिर भी मैं कम ही डाल रही हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। और इसको हिला लेंगे और इसको सिकने देंगे। जब तक चेक कर लेते हैं राजमा हुआ या नहीं। ऐसे देखकर तो लग रहा है कि हो गया है जी, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से हो गया। ओके देन, मतलब ग्रेवी बनना ही बाकी है तो अच्छी बात है। ये जब ग्रेवी रेडी हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से सिक गया है, बिल्कुल रवा। मेरी मम्मी ऐसा बोलती थी कि दानेदार हो जाना चाहिए मसाला और तेल अलग हो जाना चाहिए, तो बिल्कुल उसी तरीके से सिक गया है। तो अब हम इसमें बॉइल किए हुए राजमा डाल देंगे। अब इसको करी काफी गाढ़ी है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और गरम करके डालूंगी क्योंकि हमने ये राइस के साथ खाने हैं तो इसमें करी और भी ज्यादा होनी चाहिए, तो मैं इसमें पानी थोड़ा और गरम करके डालती हूँ। बट एनीवेज इट इज रेडी। बस फिर आप इसमें खाना परोसने के वक्त चॉप्ड ग्रीन अनियन डाल दीजिएगा। इट इज रेडी। थैंक यू, आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, पर फिर रात में गेस्ट आ गए थे और मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं उस प्लेटिंग का भी पूरा फोटो आपको दिखा पाती, तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ। जीरा राइस, जीरा आलू, चपाती, राजमा, रायता,
पापड़ सैलड, दिस वाज द मेन्यू। मैं आशा करती हूँ मेरा आज का व्लॉग भी आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, मासलामा।